दर्शक मित्रों नमस्कार। आज बात करवी छे राजकोटना प्रजावत्सल ठाकोर साहेब लाखाजीराज। तमे जाणो छो के नथी जाणता ए मने ख्याल नथी, परंतु राजकोट राज्य में सर लाखाजीराजे 1923-24 में प्रजा प्रतिनिधि सभा नी स्थापना करी हती, जेनी अंदर 90 प्रतिनिधिओ हता, जेमा 2 प्रतिनिधि स्त्री सभ्यो पण राखवामां आवेला। आ प्रजा प्रतिनिधि सभानी चूंटणी थती 21 वर्षथी उपरना वयना जे नागरिको हता ए मतदाननो अधिकार धरावता हता। आ चूंटायेला सभ्यो पोतानो अभिप्राय आपे, राज्यसभामां बेसे अने वहीवटमां पण ध्यान राखता हता। एक दिवसनी वात छे, राजकोट राज्यनी हजूर ऑफिसमां राज्यनी आवक जावक अने खर्च अने बजेटनी वात मुकवामां आवी छे। प्रजा प्रतिनिधिना दरेक सभ्यो हाजर छे, सौना हाथमां कागळना पानाओ छे, जेमांथी कंईक वांची रह्या छे। अहीं शुं छे, अहीं शुं छे, अंदाजपत्रने बराबर नीरखी रह्या छे के कंई खोटुं खर्च तो नथी थतुं ने। एमां लाखाजीराज बेठा बेठा टगर टगर जोवे छे के आ प्रजा प्रतिनिधि सभाना सभ्यो केवुं ध्यान आपे छे ए मारे जोवुं छे। माराथी दबाय छे के पोतानो अवाज प्रजा प्रतिनिधि सभामां रजू करे एवा सभ्यो छे, એટલે લાખાજીરાજ જોઈ રહ્યા છે। એમાં તો થોડીક વારમાં જો લક્ષ્મીશંકર ભટ્ટ એ આંગળી ઊંચી કરી, બાપુ એક સવાલ છે મારો। હા લાખાજીરાજ કે બોલો લક્ષ્મીશંકર ભટ્ટજી। બાપુ મારો સવાલ એવો છે કે બજેટમાં આ 12000 રૂપિયા घोड़ाना रेसना बताव्या छे, आ राज्यना खर्चमां शा माटे बताववामां आव्या छे? आ तो तमारो खानगी खर्च कहेवाय, तो तमारो ई अंगत खर्च छे, एटले राज्यना खर्चमां एने बापू बतावी शकाय नहीं, एवो मारो स्पष्ट अभिप्राय छे। लाखाजीराज खुश खुश थई नहीं के एने मोढुं बगाड्युं अने बोल्या के आज मारुं हय्युं फूलाय छे। मारो प्रजाजन आवो होवो जोईए के राज्यमां ज्यां ज्यां कंई एने खामी देखाय, खोटू थतु देखाय त्यारे बोलतो होवो जोईए। मारी प्रजा बोलती थाय, मारी प्रजा अधिकारो मांगती थाय, मारी प्रजाने कोई पण प्रकारनुं दुख न पड़े एवुं ज हुं जोवा ईच्छुं छुं। लक्ष्मीशंकर भट्टजी हुं तमारा आ सवालथी खुश थयो छुं एवुं लाखाजीराजे कीधुं अने लाखाजीराजे तरत ज आ सभामां जाहेरात करी के हुं हुकम करूं छुं के आ खर्च पर चौकड़ी मारी देवामां आवे अने आवतीकाले हूँ 12000 रुपयानो चेक राज्यनी तिजोरीमां जमा करावीश अने आ खर्च खानगी खाते ज करवामां आवशे एवी वात हूँ स्वीकारूं छुं। आवा हता प्रजावत्सल ठाकोर साहेब लाखाजीराज। स्वाभाविक छे के आवा राजाने लोको हृदयराज तरीके ओळखे। आजे लाखाजीराजनी आ वातमांथी मने एम कहेवानुं मन थाय छे, आजे तो लोकशाही छे, आजे सौ स्वतंत्र छे। धारासभ्यो, संसद सभ्यो, मीडिया कर्मीओ, पत्रकारो आवी आवी बाबतो क्यां रजू करता हशे त्यारे अवश्य लाखाजीराज अने लक्ष्मीशंकर भट्टना आ प्रसंगनी याद ताजी थाय छे। माणसे जो पोताने बळवान बनाववो होय तो एने इतिहासनुं वांचन करवुं जोईए। एटले डॉक्टर राधाकृष्णन कहेता के इतिहास तो राष्ट्रनी स्मरण शक्ति छे, जेनी स्मरण शक्ति एटले के इतिहास जे प्रजामांथी बोलातो वंचातो खलास थई जाय ए प्रजा हमेशा माई कांगली बने। एटले मारी आप सौने विनंती छे के इतिहासमांथी आवा प्रसंगो, आवा दाखलाओ वांचता रहेवा जोईए, विचारता रहेवा जोईए अने ज्यां ज्यां जरूर पड़े त्यां आवी घटनाओ बनती होय त्यां बेधड़क शासकनो पण आपणे विरोध करी शकीए एम होवा जोईए अने शासक पण एवो होवो जोईए के विरोधने पोते स्वीकारी ले। बाकी लोकशाहीमां पण जो सरमुख हथियारनी जेम ज वर्तो तो अत्यारे प्रजामां वाहवाह थशे फरजियातपणे, पण इतिहास तमारी नोंध नहीं ले ए शासकोए याद राखवानी जरूर छे। आजना स्वतंत्र लोकशाही राष्ट्रना शासकोए तो तमाम बाबतोनी आवी चर्चा करवी जोईए अने आवा अभिप्रायो पण स्वीकारवा जोईए। प्रजा शुं ईच्छे छे, प्रजाने एना अवाज એનો અવાજ ક્યારે રૂંધાવા ન દેવો જોઈએ, તો જ એ લોકશાહીની સાચી વ્યાખ્યા મુજબ આપણે સુશાસન સ્થાપી શક્યા છીએ એમ કહી શકાય। બાકી તો રાજાશાહીમાં પણ રાજકોટમાં, ગોંડલમાં, ભાવનગરમાં આવી આવી વાંકાનેર રાજ્યમાં સુવિધાઓ હતી, એને આજે ઇતિહાસને પાનેથી આપણે એટલા માટે યાદ કરીએ છીએ। તો આવા હતા પ્રજાવત્સલ ઠાકોર સાહેબ લાખાજીરાજ। એના આ પ્રસંગને કાયમને માટે યાદ રાખવાનું આપણને મન થાય એવી આ ઘટના હતી જે મેં આપની સમક્ષ હાલ મૂકી છે।